हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज से हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स, जिसका हम प्रोनंसिएशन देखेंगे, हिंदी मीनिंग देखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी में एग्जांपल्स को देखेंगे। एडजेक्टिव्स इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर एडजेक्टिव का यूज किस सेंस में किया जाता है। और एडजेक्टिव आपके लैंग्वेज के लिए, खास करके जब आप इंग्लिश स्पीक करते हो, इंग्लिश बोलते हो, उसके लिए जरूरी होता है। ये एक ऑर्नामेंट की तरह है, जिस तरीके से आप ज्वेलरी पहनते हैं ब्यूटीफुल दिखने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए, इन द सेम वे इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव वही काम करता है। मैं चाहूंगा कि अगर आप जो इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको जस्ट इस वेबसाइट पे जाना है englishtech.com और पीडीएफ आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले एडजेक्टिव की तरफ देखते हैं। पहला एडजेक्टिव है एब्सर्ड। इसे हम एब्स्यूर्ड कह देते हैं, सुनने में हम कुछ बोल देते हैं एब्स्यूर्ड, तो वो एब्स्यूर्ड नहीं होता बल्कि एब्सर्ड होता है या एब्सर्ड होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बेतुका, बेढंगा या हास्य पद, या जो बिल्कुल भी तर्कसंगत ना हो। एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल्स है, व्हाट एन एब्सर्ड थिंग टू से, क्या बेतुकी बात है, यानी कोई वैसी चीज जो आप कहना चाह रहे हैं। डोंट बी सो एब्सर्ड, ऑफ कोर्स आई वांट यू टू कम, इतने बेतुके मत बनो, बेशक मैं चाहता हूं तुम आओ। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ट्रू, व्हाट एन एब्सर्ड आइडिया, बेशक यह सच नहीं है, क्या बेतुका विचार है, यानी क्या बेतुकी बातें कर रहे हो, ये सही नहीं है। दूसरे एडजेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। दूसरी एडजेक्टिव्स है एकेडमिक। एकेडमिक नहीं कहेंगे हम इसे, इट इज प्रोनाउंस लाइक एकेडमिक, शैक्षिक या विद्या विषयक। आई वॉज नेवर अ पर्टिकुलरली एकेडमिक चाइल्ड, यानी मैं कभी भी विशेष रूप से पढ़ने लिखने वाला बच्चा, मतलब रिलेटेड टू शैक्षणिक हम नहीं थे। She had a brilliant academic career. उनका एक शानदार academic career रहा है। Next हमारा है accessible. अब इसको हम accessible कह देते हैं। Actually it is accessible. That is गमनीय, नहीं समझ में आया, सुगम समझ में आएगा। अगर ये भी ना समझ में आए तो पहुंचने योग्य, ये जरूर आपको समझ में आएगा। Examples देखते हैं। The resort is easily accessible by road, rail and air. रिजॉर्ट तक सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। द रिमोट डिजर्ट एरिया इज एक्सेसिबल ओनली बाई हेलीकॉप्टर, जो दूर का रेगिस्तानी क्षेत्र है वो सिर्फ किस चीज से जाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से। इट इज अ फैसिनेटिंग एंड एक्सेसिबल बुक, यह काफी आकर्षक और सुलभ बुक है, यानी आसानी से आपको यह मिल जाता है। चलिए अगला एडजेक्टिव हमारा है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल, इस चीज को समझेंगे, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, जवाबदेह, उत्तरदायी या जिम्मेवार। द स्टेट स्पेंड्स टेक्स पेयर्स मनी एंड शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, राज्य जो है करदाताओं के पैसा खर्च करता और उसे उसका जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, यानी राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके लिए वो अकाउंटेबल है। आई एम अकाउंटेबल ओनली टू दी मैनेजिंग डायरेक्टर, मान लो कोई सीनियर इंसान है, बोल रहा कि मैं सिर्फ प्रबंध निदेशक के प्रति जवाब दे, तुम पूछ रहे हो तुम्हारा जवाब हम नहीं देंगे। मेच्योरिटी टेक्स बीइंग अकाउंटेबल फॉर योर बिहेवियर, परिपक्वता आपके व्यवहार के लिए जवाबदेह होती है, यानी अगर आप कोई बिहेव कर रहे हैं, ठीक, किसी भी तरह का बिहेव कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कितने मेच्योर हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्यूरेट। अब इसको हम एक्यूरेट कहते हैं, एक्चुअली एक्यूरेट इज अ करेक्ट प्रोनंसिएशन, खरा या एकदम सही या ठीक। हर नॉवल इज एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ इन द विलेज ऑफ इंडिया, उनका उपन्यास भारत के गांव में जीवन का सटीक प्रतिबिंब है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट शैडो आप कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। आई एम नॉट कन्विंस्ड द रिपोर्ट आर एक्यूरेट, मुझे यकीन नहीं है कि रिपोर्ट आपका सही है। हर मेमोरी इज वेरी एक्यूरेट, उनकी याददाश्त बहुत ही सटीक है।
चलिए नेक्स्ट है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड दोषी, मुलजिम, अभियुक्त या प्रतिवादी। ये आप कोर्ट वगैरह न्यायालय वगैरह में सुनते होंगे वाला शब्द प्रतिवादी। चलिए द अक्यूज्ड प्रोटेस्टेड हर इनोसेंस, आरोपी ने उसकी बेगुनाही का विरोध किया। दे स्टैंड अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब देखिए कुछ लोग इसे भी ना ह्यूमैनिटी कह देते हैं, तो दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी, इट इज प्रोनाउंस लाइक ह्यूमैनिटी। दे स्टैंड अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वे मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी हैं। द अक्यूज्ड वर ऑल फाउंड गिल्टी, सभी आरोपित दोषी पाए गए। द अक्यूज्ड का मतलब वो जो लोग जो दोषी हैं, मतलब सारे लोग जो दोषी हैं। चलिए अडेप्टेबल। अडेप्टेबल ये होता है अनुकूलनीय या रूपांतरणीय। He is pretty adaptable and change does not bother him. वह काफी अनुकूलनीय है, यानी वो अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर लेता है, अडप्ट कर लेता है कुछ नई चीजों को, और परिवर्तन उसे परेशान नहीं करता है। The vehicles are large and not easily adaptable to new uses. वाहन बड़े हैं और आसानी से नए उपयोग के अनुकूल नहीं है। Rats are highly adaptable to change. चूहे बदलने के लिए अत्यधिक अनुकूलनीय है, यानी वो जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा जल्दी से अडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है एडिक्टिव। एडिक्टिव आप लोगों ने एडिक्शन सुना होगा, वहीं से आया है एडिक्टिव। लत लगाने वाली वस्तु, यानी कोई वैसी चीज जो आपकी लत बिगाड़ दे या जो आपको गलत लत लगा दे। मरजुआना, आप लोगों ने ये टर्म जरूर सुना होगा, लाइक बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं जहां पे ये शब्द आप लोग सुने होंगे, नशे की चीज है। मरजुआना इज सेड टू बी साइकोलॉजिकली दो नॉट फिजिकली एडिक्टिव, यानी ये जो मरजुआना है ये साइकोलॉजिकली आपको लाइक इफेक्ट करता है या लत लगाता है, फिजिकली इसका कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू बी केयरफुल इफ यू हैव एडिक्टिव पर्सनैलिटी, अगर आपकी हमेशा कोई चीज जल्दी आप अडॉप्ट कर लेते एक तरीके से, आप उसके एडिक्टेड हो जाते, तो इस चीज में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सावधान रखने की जरूरत है। द गेम इज वेरी एडिक्टिव, जो आजकल का खेल है वो बच्चे बड़ा जल्दी उसकी एडिक्शन लग जाता है बच्चों को। चलिए नेक्स्ट है एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। There will be an extra charge for any additional passengers. मान लीजिए आपने टिकट बुक किया बस वगैरह में, और वो कह रहे हैं कि there will be an extra charge for any additional passengers. अतिरिक्त यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। They are looking to the government for additional support. वे सरकार से अतिरिक्त मदद की गुहार लगा रहे हैं। He provided additional information about this incident. उन्होंने इस घटना के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी। नंबर 10 है एडल। एडल का मतलब होता है निकम्मा या सड़ा हुआ, मतलब जो बिल्कुल भी ना मिक्सअप हो या बड़ा कंफ्यूज हो। हिंदी से थोड़ा सा कम आइडिया लगेगा बट इंग्लिश में बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज या मिक्सअप हो। इज इट ट्रू दैट स्मोकिंग मरिजुआना कैन एडल योर ब्रेन एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट, यानी ये ना बड़ा कंफ्यूज कर देगा जब आप मरिजुआना का सेवन करेंगे, ये आपको बड़ा ही कंफ्यूज कर देगा और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बीइंग इन लव मस्ट हैव एडल्ड योर ब्रेन, मतलब प्यार में आपका दिमाग जो है ना वो निकम्मा हो गया, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है क्या करे क्या ना करे। आई थिंक माई ब्रेन हैज बीन एडल्ड बाय द हीट, गर्मी से मेरा दिमाग ना परेशान हो गया है। तो आप एडल्ड का परेशान होना, निकम्मा या लाइक Unable to think, confused के अर्थ में इसका यूज आप कर सकते हैं। And I hope कुछ words आपने सीखा, sentences बनाना सीखा। सबसे important था class का sentences बनाना, कि आप कितना अच्छा से sentence बना पाते हैं। इन सभी शब्दों को लेकर के आप कुछ नए sentence बनाएं और उसको comment box में जरूर लिखें। जो भी नए sentence बनाएंगे उसको comment box में डालने की कोशिश कीजिए, जिससे और भी लोग inspire हो उस चीज को देख करके, यहाँ नए सेंटेंसेज है मैं भी इस तरह के सेंटेंसेज यूज करूंगा। थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए।